वहीं बैतूल में केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के आतिथ्य में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक योगेश पंडागरे समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुलिस शस्त्र पूजन कर्मियों ने भी शिरकत की। शस्त्र और शास्त्र हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रहा है। हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम इनके कांधे पर धनुष बाण रखा हुआ है। सेवा के पर्याय पवन पुत्र हनुमान जी जिनके कांधे पर गदा रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम के अवतार परम योगेश्वर, किंतु उनके पास में शस्त्र रखा हुआ है सुदर्शन चक्र। महादेव भोलेनाथ सहजता सरलता के देवता, उनके पास में त्रिशूल रखा है। भारतीय संस्कृति में ये हमारी सनातन परंपरा रही है, शस्त्र और शास्त्र दोनों, ये दोनों विधाओं में। किंतु पूर्व में 2000 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा अंग्रेजों के आगमन से लेकर, जिसमें हमारे जो शस्त्र हमसे क्या है कि पृथक करने का जो एक षड्यंत्र था, फिर से जो हमारी सनातन परंपरा है वो फिर से पुनर्जीवित करने का ये अद्वितीय और साधारण प्रयास है, और हम और सारी देश की जनता इसका अभिनंदन करती प्रसन्न है। और आज के इस दशहरे के पावन अवसर पर मैं बैतूल हरदार लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों का और पूरे देश के मेरे सभी आत्मीय भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करते भी दशहरे पर्व की खूब सारी उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय। जैसा कि सभी को शासन के निर्देशानुसार आज बैतूल पुलिस लाइन ग्राउंड में जो बैतूल जिले के समस्त जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, और अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बहुत अच्छे तरीके से आज इन लोगों ने इस आयोजन को किया।